हेलो गेमर्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और गाइज आज हम लोग के पास आ चुका है पोको की तरफ से आने वाला पोको X6 न्यू 5G स्मार्टफोन। और गाइज आज हम लोग इस फोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग उसी के साथ एक बहुत ही धमाकेदार फ्री फायर टेस्ट करने वाले हैं इस स्मार्टफोन में। तो गाइज बॉक्स को अनबॉक्स करते सबसे पहले आप लोग को एक सेक्शन देखने को मिल जाता है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, एक आप लोग को ब्लैक कलर का केस कवर भी देखने को मिल जाता है, साथ में सिमिलर टूल भी देखने को मिलता है उसी सेक्शन में। बाय द वे गाइज उसके बाद आप लोग को जो स्मार्टफोन है वो देखने को मिल जाता है 33 वाट का एक फास्ट चार्जर और टाइप सी केबल भी गाइज आप लोग को बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। बाय द वे गाइस फोन का जो मतलब इन हैंड फील है वो गाइस काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस फोन में फ्री फायर को इंस्टॉल करके गेम को ओपन करते हैं। गाइज यहाँ पर मैंने गेम को ओपन कर लिया है इस स्मार्टफोन में। अभी मैं फटाफट से मैच स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अपना सेटिंग, ग्राफिक्स, सेंसिटिविटी वगैरह सारा चीज़ चेक करा देता हूँ। अगर बात करें सेंसिटिविटी की तो गाइज यहाँ पर हम लोग सेंसिटिविटी पूरा का पूरा मतलब 200 पे ऑल टू ऑल 200 रखकर खेलेंगे। डिस्प्ले पे जो गाइज ग्राफिक्स रहेगा वो गाइज मैक्स पर रहेगा, हाई रेजोल्यूशन भी आई रहेगा, शैडो भी ऑन रहेगा, फिल्टर भी उसी पर रहेगा और हाई FPS भी हाई पर रहेगा। ओवरऑल बोले तो सारा चीज़ हाई पर रखकर खेलने वाले हैं, पूरा एक्सट्रीम टेस्ट करेंगे, पूरा रियल और जेन्युइन रिव्यू देंगे। तो गाइज वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट देखना। अभी के लिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग चलते हैं मैच के फाइट वाले सीन पे। गाइज यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मैच के फाइट वाले सीन पे और गाइज यहाँ पर आप लोग गेम प्ले वगैरह देख सकते हो, ग्राफिक्स वगैरह भी गाइज आप लोग देख सकते हो। और लिटरली बताओ तो काफ़ी अमेजिंग ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है और जो भी मतलब सैचुरेशन वगैरह काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है ग्राफिक्स का, और काफ़ी स्मूथ ये फ़ोन चल रहा है। मैं वीडियो के एंड में आप बताऊँगा कि ये फ़ोन गेमिंग के टाइम हीट हो रहा था नहीं हो रहा था या फिर लैग किया या नहीं किया, वो सारा चीज़ मैं आप लोग का डाउट सारा डाउट क्लियर करूँगा। तब तक के लिए गाइज आप लोग थोड़ा सा गेम प्ले को एंजॉय करो। और गाइज हाँ गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो गाइज प्लीज़ यार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज गाइज आप ही लोग के लिए मेहनत करता हूँ, आप ही लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप ही लोग के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ। तो प्लीज़ यार मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्लीज़ ऑल प्रेस कर देना, और एक वीडियो को लाइक कर दो तो गाइज थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और उसका कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, बस आप लोग लाइक कर दो जिससे मोटिवेशन थोड़ा मिलता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है गाइज। तो प्लीज़ लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, मुझे उम्मीद है कि गाइज आप लोग कर दोगे। बाय द वे गाइज अभी आप लोग थोड़ा सा गेम प्ले को एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। गाइज कैसा लगा आप लोग को गेम प्ले कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय द वे गाइज अगर बात करें कि ये फ़ोन गेमिंग करते टाइम हीट हुआ या नहीं हुआ, लैग किया नहीं किया, तो गाइज देखो मैं आप लोगों को उससे पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा। गाइज इस फोन में मीडिया टेक डिमेंसिटी 6080 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है, उसी के साथ 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है और भी ढेर सारे स्पेसिफिकेशन इस फोन में देखने को मिलता है। और ये गाइज फ़ोन 15000 में फ्लिपकार्ट देखने को मिल जाएगा। और लिटरली देखो गाइज सबसे मेन जो होता है गेमिंग करने के लिए वो प्रोसेसर होता है, जो कि इसमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है मीडिया टेक डिमेंसिटी 6080, जो कि गाइज एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर से आप लोग आराम से गेमिंग कर पाओगे। मेरे को गाइज अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछो तो गाइज मेरे को कहीं भी लैगिंग या फिर हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला है। और हाँ गाइज आप लोग देख ही रहे हो अभी के टाइम पर टेम्परेचर कितना ज़्यादा चला जा रहा है, तो गाइज फ़ोन तो मतलब हीट होना लाजमी है। बिकॉज गाइज देखो अगर जब रूम टेम्परेचर ही 40 डिग्री मतलब जब हो रहा है तो गाइज फ़ोन तो 40 डिग्री होगा ही। तो ओवरऑल बोले तो देखो गाइज उतना ओवर हीट नहीं होता है, नॉर्मल हीटिंग होता है इस फोन में। लैगिंग कहीं कहीं थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलता है, बट गाइज प्राइस रेंज के देखते हुए, प्रोसेसर को देखते हुए, सारा चीज़ स्पेसिफिकेशन को देखते हुए मतलब अच्छा फ़ोन है गाइज गेमिंग के लिए। अगर आप लोग गेमिंग के लिए परचेज करना चाहते हो तो गाइज मेरे तरफ से इस फोन को लेने के लिए यहाँ है। अगर आप लोग का बजट है 16000 तो गाइज इस फोन को आप लोग परचेज कर सकते हो। यही था आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।